बच्चों को आज की नहीं राम व राष्ट्र के वीरों की कहानी सुनाना चाहिए। कथा के समापन पर दीदी अंजलि आर्य द्वारा कहा गया। वेद कथा समिति द्वारा स्थानीय तहसील प्रांगण में चल रही 6 दिवसीय वेद एवं राष्ट्र कथा महायज्ञ का समापन हुआ। छठे दिवस में दीदी अंजलि आर्य द्वारा रामायण का माता सीता हरण का वृत्तांत सुनाया। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कहा कि अभी पूरा विश्व राममय हो गया है। सभी जगह प्रातः काल की बेला प्रभु श्री राम के नारों से गुंज रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण व प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए उन्होंने सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं दी। दीदी द्वारा एक से एक सुंदर भजनों के माध्यम से लोगों को जोड़े रखा। कथा के बाद महाआरती की गई एवं प्रसादी वितरण किया गया। तत्पश्चात वेद एवं राष्ट्र कथा महायज्ञ का समापन किया गया। इस अवसर पर वेद कथा में सहयोग देने वाले समाज जन पत्रकार वेद कथा समिति सदस्यों द्वारा दीदी का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि भैरू सिंह चौहान, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सत्यनारायण पटेल, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि लाल सिंह राजपूत, मुकेश शर्मा, अंकित गर्ग, पिंटू बैरागी, नमन नागर आदि मौजूद रहे। जी का स्वागत करें श्री श्याम सिंह जी आ रहे रणायरा केलो से बता रहे हैं आप भी आए। पूज्य दीदी जी का स्वागत करें श्री गौरव जी शर्मा। तुम सभी के स्वामी